मैं बहन पूजा से मिलने के लिए तड़प रहा था, आज मेरी प्यास बुझ गई। धन्यवाद, तालियां तालियां। मैं तो कांसी राम साहब को जब मैं पानी पिलाया ना पूजा बहन, आपसे क्या बताऊं कि मेरे आंखों में आंसू आ गया। कहने लगे भाई गोपाल आया देश विक्रेता, देखो देश विक्रेता। जय भीम जय भीम। ये कुछ यहाँ का नजारा है। मिठाई नहीं लेकर आ पाया, आपका आशीर्वाद बहुत है। आशीर्वाद आपको स्वीकार। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो। थैंक यू सो मच। तो ये बहन जी आप संघर्ष। अच्छा आपका नाम है गोपाल अम्बेडकर। बहन जी आप गोपाल अम्बेडकर जी है ये। हमारे गोपाल अम्बेडकर सर जो परम सत्य गोपाल अम्बेडकर सर, हम लोग के बड़ा फैन है और बहुजन टीवी के बहुत बड़ा फैन है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इसी प्रकार से मोहब्बत बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैं बहन पूजा से मिलने के लिए तड़प रहा था, आज मेरी प्यास बुझ गई। धन्यवाद, तालियां तालियां। और अपने लोग थोड़ा घबरा रहे थे, बहन जी कहाँ है। हमने कहा घबराओ नहीं, बहन जी प्लानिंग कर रही हैं, बहन जी व्यवस्था बना रही हैं। मैं बताया मित्रों आप घबराओ नहीं, हम लोग उस आंदोलन में जन्म लिए हैं कि जो हमारे महापुरुष से हिम्मत नहीं हारे, जिसको मैं शेयर करना चाहूंगा। जिससे मेरे महापुरुषों का कहना है, बाबा साहब का नाम, माता रामा बाई फूले सबका कहना है कि आए अंधेरी नगरी में, आए अंधेरी नगरी में दीप जलाने, उजाला करके जाएंगे। अरे तूफान तेरा काम है बुझाना बुझा, पर हम जलाते जाएंगे हम। और बहन जी, बहन जी की क्या सोच है। बहन जी ने ऐसी प्लानिंग बना दी है ना कि क्या बताऊं, इतनी बड़ी प्लानिंग है ना। बहन जी ने ऐसे चाहा है, बहन जी ने ऐसा सोचा है, ऐसा चाहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के हालात बदल जाएंगे। अरे मोम तो मोम है, पत्थर भी पिघल जाएंगे। इसीलिए कहना है जी, ये बहुत अच्छा। और सर के जो जुनून देगा, मुझे कहना है कि ईंट से ईंट बजा देंगे और भीम मिशन के लिए खून का एक एक कतरा, ईंट से ईंट बजा देंगे और भीम मिशन के लिए खून का एक एक कतरा बहा देंगे। अगर आप लोग का साथ रहे आए हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथियों और हमारे सर्वजन समाज के साथियों, तो इस बार बहन जी को उत्तर प्रदेश का पांचवी बार मुख्यमंत्री बना देंगे। ये नजारा उन लोगों के लिए काफी होना चाहिए जो कहते हैं कि बसपा जमीन पे कहीं दिखती नहीं, तो ये नजारा उनके लिए काफी है। और इनकी आंखों में जो आंसू है वो इस बात को साबित करते हैं कि लोगों में कितना बसपा के प्रति। अभी मेरा समाज कुछ थोड़ा गवार टाइप है ना, थोड़ा समझ की कमी है, समझते है नहीं। देखिए थोड़ा अपने आप पे विश्वास नहीं करता बहन जी, कारण यही है। नहीं तो मैं बता दूं, अरे मैं तो कांसी राम साहब को जब मैं पानी पिलाया ना पूजा बहन, आपसे क्या बताऊं कि मेरे आंखों में आंसू आ गया। कहने लगे भाई गोपाल आप भी एक आंदोलन का हिस्सा हो, मैं कभी हिम्मत नहीं आ रहा, हालात कैसे भी रहे। और मैं बता रहा हूँ बसपा के लिए तो मैं जन्म से ही लगा हूँ। मैं हरियाणा में रहा कैथल डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं बता रहा हूँ एक दर्द कहानी है, थोड़ा सा शॉर्ट कहानी बताऊंगा। मैंने जय भीम का नाम ले लिया, उसने माल जिसका मैं चुना पेंट का आज भी काम करता हूँ, पेंटर हूँ, मकान पेंटिंग का रंगाई करता हूँ। तो एक बंदा जा रहा था, मैं गेट के अंदर घुसा तो उन्होंने कह दिया जय भीम, मैंने बोल दिया जय भीम। उसने कहा किसका नाम लिया, मैंने अरे यार भाई जानते नहीं है, बाबा साहब का हमने नाम लिया जिसके बनाए हुए संविधान से देश चल रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अब बता रहा हूँ बहन जी, कह रहा ठीक है। उग्र हो गया जब मेरा 3 बजे दोपहर का काम था, थोड़ा काम बढ़ा दिया 3 बजिया। जैसे काम खत्म हुआ तो गलत शब्द का उपयोग कर गाली देकर हमके चूड़ा चमार कह के नीच कहकर कई थप्पड़ मारा। मैं सोचा गेट बंद है इसके घर में, मैं कर भी इसे कह सकता हूँ, मैं निकल गया। मैं बता रहा हूँ सिर्फ जय भीम का नाम लेने से मेरा इतना कसूर है, मुझे इतनी बड़ी सजा दिया कि उसके घर में ऊपर नीचे 3 लाइटिंग दी, तीनों लाइटिंग मुझसे धुलवाया।
मैं बोला कोई बात नहीं, हरता क्या ना करता, निकलना है। मैंने बहन जी तीनों लाइटिंग बहुत खुले मन से धोया। मैंने कहा भाई अब तो पैसा दे दे चलूं। कहा कैसे पैसा? फिर कोई नहीं बोलने आया बहन जी, उसकी पत्नी स्वयं खड़ा हो गई कि बस कर, तूने बहुत कर लिया। फिर मेरे मुंह भी रुके नहीं, मेरे भी आवाज रुके नहीं। हमने कहा देख रहा, देख ले, ये तेरे मनु की व्यवस्था नहीं है, बाबा साहब की संविधान की व्यवस्था है, जो ये महिला तेरे सर चढ़कर बोल रही है। ऐसी लड़ाई में गोपाल अम्बेडकर का कतरा कतरा बजा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो संकल्प लिया हूँ पूजा बहन कि मेरा धन दौलत, मेरा बेटी बेटा, मेरा सब कुछ एक आंदोलन है। आज वो जय भीम का नारा हर राजनीतिक पार्टी मजबूर है लेने के लिए। जी जी जी, उसके बिना किसी का गुजारा नहीं। वो दिखावा है बहन जी, देखिए वो दिखावा, जैसे हाथी के दो दांत होते हैं ना, दिखाने कुछ, खाने की कुछ, तो दूसरे लोग तो यही दिखाने वाले हैं, दूसरे लोग दिखाने वाले हैं बहन जी। बाकी कोई बात नहीं, हम लोग को हौसला बुलंद करके रखना है, हौसला बुलंद करके ना, हिम्मत नहीं हारना है। हौसले पे एक शेर सुना देता हूँ कि बंदा वही कामयाब होता, बंदा वही कामयाब होता जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। एकदम सही, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और इस तरीके के कार्यकर्ता होते हैं वही एक पार्टी की सबसे मजबूत नींव होते हैं, और ये नींव बसपा की अभी भी है, ये आप देख सकते हैं, देखते हैं।